यू टर्न को कुछ गलत अर्थों में परिभाषित किया गया है। जहाँ तक नगर पालिकाओं में 7 सदस्य की नियुक्ति का प्रश्न था, नियुक्ति हुई थी, आदेश निकले थे, परंतु हमारे उसमें एक त्रुटि हो गई थी और त्रुटि को जो ही जानकारी तुरंत हमने उसको रोका है, उसका यू टर्न उसको कैंसिल नहीं किया है। रोकना और कैंसिल करने में फ़र्क है, उसका दुरुस्त होगा और तुरंत वापस आदेश होंगे। जहाँ तक हमारे अध्यापकों में ट्रांसफ़र के आदेश आना और उसको रोकने का प्रश्न है, चूँकि हमारी पार्टी में हर हर कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को मान दिया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। ट्रांसफ़र के उपरांत हमारे जनप्रतिनिधि ने, वरिष्ठ नेता ने एक आपत्ति की कि इसमें इस तरह से थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसको महत्व दिया गया, आदर दिया गया, मान दिया गया और उस ट्रांसफर लिस्ट को थोड़े दिन के बाद रोका गया। हम विधिवत तुरंत इसको फिर जारी करेंगे, इसीलिए यू टर्न वाली जो आपकी परिभाषा है वो ठीक नहीं है। हम हमारे कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधि को महत्व देते हैं, मान देते हैं और गलती होती तो तुरंत सुधार करते हैं, न गलत बयानी करते हैं, न यू टर्न करते हैं, न झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ पूरी पारदर्शिता है, सभी का मान है, आंतरिक लोकतंत्र भी हमारी पार्टी में ही है। क्या उम्र की वगैरह से आदेश और ऐसे जो ट्रांसफर हो जाती है? उम्र और ट्रांसफर का कोई संबंध नहीं है। होमवर्क होमवर्क का नहीं है। ट्रांसफर की गई जिसे जनप्रतिनिधि को आपत्ति थी, आपत्ति उन्होंने की, हमारे बहुत सम्मानित नेता है, उनका आदर करते हुए थोड़े दिन की रोकी है, इसको ठीक करके वापस करेंगे। सर, आपके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखती है पार्टी, कार्यकर्ता बात सुनती है, ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से गलत है। वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी के अनेक नेताओं ने उसका सिफारिश की है और वो कोई पुरानी बता के, अनेक लोग किसी दूसरी पार्टियों में थे, हमारी पार्टी में आने के बाद हमारा काम करता है, हमारा कार्यकर्ता है, उसकी नियुक्ति हुई है, इसलिए इसको दुरुस्त। आपत्ति हमारे यहाँ खुला खाता है ना, आपत्ति दर्ज करना तो कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के, वहाँ के संगठन ने उसकी सिफारिश की है और उसकी सिफारिश के आधार पर हुआ है। फिर भी हम हमेशा खुले रहते हैं, अगर कहीं त्रुटि होती है तो दुरुस्त भी करते हैं, लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हो उसमें त्रुटि नहीं है, उसकी सिफारिश के आधार पर हुए, वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है। 10 महीने की सरकार में 5 बड़े यू टर्न हो गए, आदेश वापस ले गए, रातों रात वापस ले गए। आपको लगता है सर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है? दो मंत्री हो, दो विभाग हो, किसी की तरह कोई कम्युनिकेशन दिखाई नहीं देता। पुनः मैं छोटे भाई को दुरुस्त करता हूँ, यू टर्न नहीं है, हमारा आदेश निकलता है और हमारे नॉलेज में कोई चीज लाती है कि इसमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल या तकनीकी त्रुटि है, तो हम उसको रोकते हैं, ठीक कर देते हैं, पुनः जारी कर देते हैं। ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसको कहते हैं यू टर्न, उसको कहते हैं आज मैंने कहा मैं ऐसा करूंगा, कल मैं कहूंगा मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप फर्क समझें, यू तब होगा जब मैं जिधर पूर्व में जा रहा हूँ वापस पश्चिम में जाना शुरू करूँ, मैं ये कहूँ मैं पूर्व में ही जाऊँगा लेकिन थोड़े दिन बाद में जाऊँगा, ये यू टर्न नहीं है। सर, ये हमारा शक नहीं है, आप ही के सरकार के मंत्री केवल लाल जी मीणा ने कहा कभी कभी जिंदगी में यू टर्न लेना चाहिए, यू टर्न लेना अच्छी बात है। वहीं से तो किरण लाल जी ये बात क्या, कभी कभी जिंदगी में यू टर्न लेना चाहिए, तो इसको तो ट्रांसफर ऑर्डर को जोड़ के थोड़ी देखा जा रहा है। सर, उन्होंने इसी संदर्भ में कहा, नहीं वो किस संदर्भ में कहा उसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन जीवन में कभी कभी यू टर्न लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज भी आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री जो है वो ठीक नहीं है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बार बार वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे शिक्षक समाज में एक नाराजगी उत्पन्न होती है। खासकर उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा मंत्री को खुद शिक्षा की आवश्यकता है। आदरणीय गोविंद जी ने क्या कहा है वो आप सबके बीच में, और गोविंद जी की मेरी जहाँ तक जानकारी है सुर्खियों में रहने की आदत है और सुर्खियों के बयान को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, और स्वयं उनकी पार्टी भी उनके ऐसे बयानों को कोई महत्व नहीं देती, कोई समर्थन नहीं करता है। आपके उनके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष ले लो, आदरणीय अशोक गहलोत जी ले लो, उनके बातों का कोई समर्थन नहीं करता है, ये उनकी सुर्खियों में रहने की आदत है और सुर्खियों में रहता है, ये उनको सुर्खियों में रहने का उनको धन्यवाद।